टीजी ने कहा कि हमारी बहन बेटी के खिलाफ कुछ गलत हो रहा है तो पुलिस आएगी, बहन बेटी के साथ अगर गलत होता है तो पुलिस का इंतजार करेंगे क्या हम लोग? आपको पुलिस में विश्वास नहीं है? आपको पुलिस में विश्वास नहीं है? ठीक है, सरकार नहीं है। राहुल गांधी जी की बोलने की आदत है, कभी भी कुछ भी बोल देते हैं। उनका क्या है कि वो सोचते नहीं है, पहले बोलते हैं उसके बाद। सवाल क्या है? सवाल क्या है? सवाल उनका ये है कि जैसे मोदी सरनेम वाला जो मुद्दा था, मोदी सरनेम वाला मुद्दा, उस मुद्दे के ऊपर पूछना चाहिए। राम मिर्ची हो गया, अमित जी 160 रुपए। अरे काहे मिर्ची खा रहे हैं? काहे मिर्ची खा रहे हैं इतनी? भाई मिर्ची अगर तो बिहार वाले खाते हैं क्या? थोड़ा रसगुल्ला खाते हैं? रसगुल्ला जनता को खिलाएंगे, हम नॉन रोटी मिर्ची खाएंगे। तो आज की इस वीडियो में ऑडियंस ने कांग्रेस के प्रवक्ता और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दोनों को डिबेट में अच्छे से धो दिया है, क्योंकि ये लोग मोदी जी को घेरने के चक्कर में हिंदू धर्म के बारे में कुछ भी बोले जा रहे थे और हिंदू धर्म में सिर्फ कमी निकाल रहे थे। और ये लोग बीजेपी का सीख कर अब ये लोग भी बोलते हैं कि ये लोग भी 400 फार सीट लाएंगे। इन्हीं सब बातों पर जब ऑडियंस में से कोई इससे कुछ पूछ देता था डिबेट में, तो ये लोग बौखला जाते थे और उल्टे ऑडियंस पर ही चिल्लाने लगते थे जवाब देने के बजाय, जिसके बाद सभी ने इसे धो दिया है। जिसे देखकर आपको अच्छा लगेगा, तो भाई क्या हुआ आप खुद से ही देखिए आगे। राजकुमार भाटी जी ने कहा कि हमारी बहन बेटी के खिलाफ कुछ गलत हो रहा है तो पुलिस आएगी, बहन बेटी के साथ अगर गलत होता है तो पुलिस का इंतजार करेंगे क्या हम लोग? लेकिन कानून का नहीं, आपकी बात सही है, लेकिन कानून का तो रिस्पेक्ट करने पड़ेगी। राजकुमार भाटी जवाब, अगर ये बात आपने कहा वो जिम्मेदार प्रिंसिपल थे तो उनकी जिम्मेदारी थी ना बाथरूम को चेक करना। अच्छा ठीक है, ठीक। अगर ये बात किसी और ने कही होती, किसी और ने, तो ये उसे देशद्रोही ठहरा देते। जिस व्यक्ति को इस देश के कानून पर विश्वास नहीं है, पुलिस और फौज पर विश्वास नहीं है, वो इस देश का सच्चा नागरिक नहीं है, वो देशद्रोही है। आपको पुलिस में विश्वास नहीं है? आपको पुलिस में विश्वास नहीं है? ठीक है, सरकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सवाल और सवाल किसके पास है? राहुल गांधी जी की बोलने की आदत है, कभी भी कुछ भी बोल देते हैं। उनका क्या है कि वो सोचते नहीं है, पहले बोलते हैं उसके बाद। सवाल क्या है? सवाल क्या है? सवाल उनका ये है कि जैसे मोदी सरनेम वाला जो मुद्दा था, मोदी सरनेम वाला मुद्दा, उस मुद्दे के ऊपर पूछना चाहता हूँ, जो मोदी का सरनेम वाला मुद्दा बोला गया था उस पर। देखिए आपकी गलती नहीं है भाई साहब, आप जब व्हाट्सएप में कटी हुई क्लिप देखते हैं ना, उनमें आगे जो नीरव मोदी बोला था, ये जो आगे नाम जो थे वो आपने सुने नहीं। मैं आपकी गलती नहीं मानता हूँ, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी साल से एक लेकिन मुझे राहुल गांधी मौका नहीं देगा। बिल्कुल बिल्कुल, 9 साल से राम मिर्ची हो गया, अमित जी 160 रुपए। अरे काहे मिर्ची खा रहे हैं? मिर्ची खा रहे इतनी? भाई मिर्ची अगर तो बिहार वाले खाते हैं। थोड़ा थोड़ा ममता जी आई थी, ममता जी आई थी। अरे सुनिए ना, हमें बिहार इतना अच्छा तो आता नहीं है। ममता जी आई थी, थोड़ा रसगुल्ला खाते हैं, रसगुल्ला जनता को खिलाएंगे, हम नॉन रोटी मिर्ची खाएंगे। जी लेकिन लेकिन भाजपा मलाई खाएंगे, वो कह रहे हम नून रोटी और मिर्ची खाएंगे, रसगुल्ला जनता को खिलाएंगे, देश को ही खा लेंगे। अच्छा जवाब है, डाटा देते हैं आटा नहीं। तो याद आ गया जो पाकिस्तान कभी कहता था कि हमें कश्मीर चाहिए, वह आटा नहीं है, पाकिस्तान है मोदी जी की ताकत। अरे आटा पाकिस्तान चाहिए, आटा में पाकिस्तान का क्या संबंध है? पब्लिक के भी सवाल आएंगे फिर। अभी ये तरीका ठीक है, बोलिए अपनी बात बोलूंगा। दूसरी बात, क्योंकि खाने की करी तो राजनीति के परिप्रेक्ष्य में भी कह देता हूँ, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, और चले हैं बिरयानी खाने पाकिस्तान चले गए। जब दांत नहीं था आंखें था, देखिए पाकिस्तान का बिरयानी खाने चले। बोल लिया अब आपने बोल लिया, अब मैं जवाब देता हूँ। सुनो, एक समय ऐसा था कि 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमले हुए, मनमोहन सिंह जी से पूछा आर्मी ने, हम नेस्ट नाबूद कर देंगे, कर नहीं पाए। नरेंद्र मोदी जी ने आर्मी को खुली छूट दी, घुस के ठोका पाकिस्तान को। ये फर्क है, सुनिए आपने बात नहीं। ये नरेंद्र मोदी है, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की ताकत है। ठीक ठीक, ये कारण नरेंद्र मोदी जी हर टाइम पे देखिए ठोका जाए, ऐसा बात बोल रहे, गले के नीचे हजम हो गया। मैंने भारत को जोड़ेंगे यात्रा पे चल रहे हैं, और मोहब्बत की दुकान है, मोहब्बत की दुकान में व्यापारी कौन है? कन्हैया कुमार, भारत तेरे टुकड़े होंगे। भैया ऐसे व्यापारियों से भारत को बचाए भगवान, क्योंकि टुकड़े करते हैं, ये इनकी मोहब्बत की दुकान है, मोहब्बत की दुकान, मोहब्बत की दुकान। अब मोहब्बत की दुकान क्या? मोहब्बत थोड़ा थोड़ा मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत पर जब भाजपा बात करे तो गुस्सा आएगा। कन्हैया के बारे में कुछ बोल दिया जगदीश टाइटलर, गुस्सा आ गया भैया को। जवाब दे, राहुल गांधी के साथ भेदभाव वाला व्यवहार हो रहा है कांग्रेस का, यार मेरी बात जी, भेदभाव हो रहा है राहुल गांधी के साथ। कांग्रेस का नारायण काछी क्या हुआ? क्या बकवास? आज भी एमपी है, आज भी इनके एमपी। शांत कराइए पहले, नहीं जवाब दीजिए ना। ठीक है, अब सुन लीजिए ना। तीसरी, न्यायपालिका हो रहे हैं, न्यायपालिका स्वतंत्र है, पवन खेड़ा की अरेस्ट रोक दी, टाइगर जिंदा है। आप इसका बताइए, सदस्यता कैसे हुई? शांत कराइए। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर तो ये लोग बिखर गए हैं जी, अन्य मुद्दों पर इनका
क्या रहेगा? ये एक अच्छा सवाल है। इसका पहली बात तो यूसीसी पे विपक्ष बिल्कुल नहीं बिखरा है, पूरे विपक्ष की एक ही बात है कि पहले आप ड्राफ्ट लेके आए, ये बताएं कि कौन कौन से कानून में बदलाव चाहते हैं, कौन कौन से कानून देखे। और मैं एक गारंटी के साथ आपको बता रहा हूँ कि ये उद्धव ठाकरे साथ है, अरविंद केजरीवाल साथ है, ये केवल धार्मिक बहस शुरू करना चाहते हैं देश में, इसलिए इस तरह के सिगुफे छोड़ते हैं। पूरा सोशल मीडिया पे चल रही है, मेन मीडिया दिखाता नहीं इस तरह की खबरों को। एक ये जो है पुणे में पब्लिक स्कूल है, वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं ईसाई, बजरंग दल के लड़के उस स्कूल में घुस गए, खबर पूरी पकड़ी है, हमने खबर कल दिखाई है, वहाँ पर लड़कियों के टॉयलेट के अंदर कैमरा लगा हुआ भी था। इसके साथ जनता होती है ना, इस मंच से कहता हूं 303 से ज्यादा सीटें आएंगी भाजपा की और एनडीए की 400 प्लस इनसे तो अभी एक, दो तो अभी कम जनता ने कर दी इसी 5 साल में। यही यही पीड़ा है, ये सारे मिलके भी मोदी जी को हरा नहीं पाएंगे। अभी 303 नहीं है, वक्ता खड़ा अभी 301 है। और मैं आपको बताऊं, एक अभी गौरव भाई 303 नहीं है। ठीक है, देखिए 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 एक एक शेर अर्ज कर दीजिए, शेर अर्ज कर दीजिए, शेर अर्ज है, शेर अर्ज है, हां शेर अर्ज कर दीजिए। अगर आप शेर है तो बता दीजिए ना। नहीं भैया, मैं कर रहा हूं, मैं तो इंसान हूं, मैं तो इंसान हूं, ये नहीं बताऊंगा गधा कौन है, लोग बुरा। अरे वो तो जनता को दिख रहा है, ठीक है, 9 साल का जवाब नहीं दे पाए। अब शेर अर्ज, अपने आप को लॉयर बोल क्यों जवाब नहीं दे पा रहे? ठीक है, चलिए अच्छा बोल तो दीजिए। देखिए मिल बैठे हैं जुगनू सारे, ऐलान ये है आओ सूरज को हटाया जाए, वही इनका हाल है। ये जुगनू क्या सूरज की तरह चमकेंगे? अरे मोदी जी हैं, अंगद का पैर है, रख दिया तो रख दिया, हिला नहीं सकते, इटली वाले। नरेंद्र मोदी ने बोला था, नरेंद्र मोदी ने सदन में बोला था, एक अकेला सब पे भारी है। ये देश की जनता मांग रही है अमित जी, रोटी कपड़ा और मकान, और जब ये मांग करती है तो बीजेपी हो जाती है परेशान। जनता एक और कह रही है, अब नहीं चलेगी परिवारवाद की दुकान। अरे परिवारवाद तो पूरे देश की जनता परिवार है, हमारा परिवार गरीब मजदूर किसान नौजवान है, और इनका परिवार कौन है? पूंजीपतियों और उद्योगपतियों के सवाल तो बोले, गरीबों के आवाज को दबाना चाहते हैं। लड़कियों के टॉयलेट के बाहर कैमरा लगा था तो इन्होंने कहा जो भी हुआ कुछ भी नहीं करना चाहिए। बजरंग दल को अधिकार है क्या गुंडागर्दी करने का? नहीं, आप जवाब दो। आप क्यों गुंडागर्दी कर रहे हैं? मेरे भाई के गले लगी है, आप क्यों मुझे ऐसे ताड़ रहे हैं यार? सुनिए मैं अपनी बात, अभी यहाँ पे बात हुई, उन्होंने कहा राहुल गांधी ने ऐसा कहा वैसा कहा, इन्होंने कहा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेके आते हैं। जनता व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान नहीं लेके आती। अच्छा, जनता जनता व्हाट्सएप बना देती है, हमारे देश की न्यायालय को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बनाते हैं। हाई कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने फैसला दिया, ये किसी व्हाट्सएप का तो फैसला नहीं है, हाई कोर्ट का। आपने उस कौन का लड़का था, आपने इनको बोल दिया कि इनका इनका जो ज्ञान है ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का है। हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का है। राहुल गांधी जी की स्पीच का कहा, मैंने ये कहा, अगर पूरी स्पीच आप देखते हैं, नीरव मोदी की बात की और ऐसे मोदी बात जो देश के छोटे कांग्रेसियों का तो दिमाग पहले से खराब रहता ही है अपने नेता के चक्कर में, लेकिन कांग्रेसी के संगत में आकर अब समाजवादियों का भी यही हाल हो गया है। ये लोग भी डिबेट में आकर क्या बोलते हैं इन्हें खुद ही पता नहीं होता है, और ऑडियंस का जवाब देना तो ये लोग भूल ही चुके हैं। और ऑडियंस के द्वारा पूछा जाता है कुछ और जवाब देते हैं ये लोग कुछ हर डिबेट में, फिर उसके बाद जब चुनाव में हार जाएंगे तो सीधा बोलेंगे ईवीएम हैक हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अपनी गलती फिर भी ये लोग इन लोगों को नहीं दिखेगा, इन्हीं सब वजहों से इनका हारना फिक्स है। खैर, आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।